हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ सभी फ्रेंड्स मेरा बहुत अच्छा था, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग का टाइम दिखाऊँ तो ये देखो कम हो गया है और मैं अभी थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ। तो सभी वालों का प्रणाम, छोटों का ढेर सारा प्यार, और जिसने सब्सक्राइब करके रखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने नहीं किया तो उनको भी धन्यवाद मेरे चैनल में आने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलो, मैं हूँ जुमा, इंडियन ब्लॉगर जुमा, जुमा के चैनल में सभी को स्वागत है। और अभी जा रही हूँ मैं थोड़ा सा अजीत के घर, उनके घर पे आज पूजा है, तो मुझे मंडी से फूल वूल लेके पहुँचा के आना है। तो चलो, अगर हो पाएगा तो मंडी की फूल शेयर करूँगी। तो ये हम घर से निकल गए और घर से निकल के जा रहे हैं फूल मंडी। और ये मेरा घर से निकल के हाईवे है, तो ये हाईवे के यहाँ से हम निकल जाते हैं। तो देखो, फूल मंडी पहुँच गए, गाजीपुर फूल मंडी है ये। गाजीपुर मेरा घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये फूल मंडी बहुत बड़ा है। तो ये देखो, मंडी की स्टार्ट हुआ है ये, और ये इधर से इतना बड़ा फूल मंडी, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है देख के। मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करते हैं। और ये इतनी फूल, मतलब इतनी फूल देख के मुझे वो हो गए कि कितना अच्छा लग रहा है देखने में, अच्छा लग रहा है। सब ले चलो, यहाँ पे देखो गेंदा, मतलब रजनीगंधा, जयमाला सब तैयार हो रहे हैं। ये सारे अलग अलग कलर की जयमाला है, जैसे लेना चाहो, गुलाब का, पिंक का, वाइट है, बहुत सारे। तो मैंने कहा ये जितने हैं ना, ये सारे जयमाला हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। और ये ऊपर देखो, लड़के सारे बैठ के माला बना रहे हैं, सबका अलग अलग तरीका है बनाने का, सब काम का। तो ये सब बना रहे हैं। और यहाँ पे तो देखो बिल्कुल थोड़ा अंधेरा सा था, तो ये हस्बैंड ले रहे हैं फूल, क्योंकि जेठ के घर में देना है, सारा ऑर्डर दे के गए थे, तो वही सारे देना है। तो ये देके देंगे तब लेके सब जाऊंगी, क्योंकि देख के आऊँगी। और इतनी मॉर्निंग में तो आई थी, ऐसे ही टाइम हो रहा था ठीक ठाक, तो आई तो देखा थोड़ा भीड़ कम है, अगर क्योंकि ये 2:30-3 बजे तक ये मंडी खुल जाती है, 2:30-3 बजे तक मंडी खुल जाती है, तो भीड़ इस समय तो कम ही होगा, नहीं तो सुबह मतलब आओ तो बहुत भीड़ होती है। तो ये देखो, इनके पास सारा फूल है, ये माला भी हमने ले लिया, आम पल्ला भी, जितनी सब फूल है, सब टोटल फूल है, आम, ये दुर्वा घास, तुलसी पत्ता, बेल पत्ता, सब चीज़। तो चलो, तुलसी के पत्ते और ये माला रजनीगंधा का बहुत बड़ा है, तो ये ले लिया हमने। और गेंदा का फूल अलग से भी ले लिया और देख के आएंगे। तो चलो, यहाँ की मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, कैसे लगे जरूर बताना फूल मंडी हमारे यहाँ की। और मैंने तो इतना बड़ा फूल मंडी नहीं देखा था कलकत्ता में, तो आप फूल मंडी से निकाल के देख रहे हैं कि ट्रैफिक इतना जाम, देखो इतना जाम, देख के लग रहा है कब पहुँचूँगी, जो कि मेरे घर से जेठ के घर जाने में आधा घंटा लगता है, और यहाँ पता नहीं कब पहुँचूँगी। आज बहुत बुरा हालत हो गया है, एक तरह से बोल सकते हो कि जैसे होता है ना अपने साथ कभी पोपट बन जाता है, आज मेरे साथ बन गए। मैं इतनी और इतने हम ना अंदर अंदर से जा रहे, जो ऊपर के और से इसीलिए जा पा रहे, नहीं तो यहाँ से तो निकलना ही भारी है, इतनी इतनी भीड़ है। तो इतना भीड़ हमें आगे, तो ये यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और वहाँ से, तो देखो जेठ के घर आ गए। और जेठ के घर आके ज़्यादा देर बैठे नहीं, उनकी एक डॉगी है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये एकदम शांत है, पर उसके जो आँख मुँह है ना, वो बहुत वैसी है, मुझे उससे डर लगता है। देखो, तो ये हो गया है, तो जेठ के घर आके और कुछ शेयर नहीं किया, ना नहीं मेरा पढ़ाई कर रही है, ऑनलाइन क्लास ले रहे। और ये है जेठ के घर का माँ काली, मैं सबसे प्रे करती हूँ सब लोग अच्छा रहे, भगवान सबको मनोकामना पूर्ण करे।
मॉर्निंग का टाइम है, आज नेक्स्ट डे है, कल कोई ब्लॉगर नहीं आगे बढ़ाए थे तो पूजा में मैं गई नहीं थी क्योंकि ना इतनी जाम में मैं थक जाती हूँ बैठे बैठे, तो नहीं गई थी मैं। और मैं और बेटी घर पे थी और सब लोग गए थे, तो वहाँ का कोई वीडियो तो बना के नहीं लाए हैं, एक फ़ोटो वोटो लाए होंगे तो देखूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी वहाँ का माँ का फ़ोटो। तो चलो मॉर्निंग का तो सारा काम हो गया है और क्या बोलूँ, तो इस ब्लॉग को यही एंड कर देती हूँ। आप लोग अच्छा रहना, खुश रहना, हंसते रहना, स्माइल करते रहना, फिर मिलूँगी नया ब्लॉग के साथ।